हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास प्लस टू हम लोग कर रहे थे चैप्टर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं क्योंकि वो लेंथी बहुत होता है। तो एक लेंथी प्लस थ्योरी पोर्शन उसमें होता है, तो बच्चे पढ़ने से और उसको देख के घबरा जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आया कि क्यों घबरा जाते हैं, जबकि वो टॉपिक जो है बहुत ही इजी है। तो उससे पहले आज मैं आपको कुछ उसके फंडास जो हैं, जो यूज होने हैं उस टॉपिक में, वो आपको बता दूं, जो कि एक छोटा सा आपका चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जिसमें रिएक्शंस आपको बताई गई हैं। तो मैं एक रिएक्शन आपको बताऊंगी, तो उसके बाद मैं आपको मेन टॉपिक जो बताऊंगी कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मार्कर ले लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कि कैसे ऑन पासिंग द करंट हमारे पास डिसोसिएशन होती है आयंस की। मैं बस ज्यादा नहीं करूंगी एक्सप्लेन, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, जिसमें अगर आप लोग एक सॉल्यूशन लेते, कंपाउंड लेते, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, जैसे लेड ब्रोमाइड की अगर हम लोग बात करें, लेड ब्रोमाइड में अब दो जने हैं, दो बंदे हैं, एक तो लेड है और एक ब्रोमीन है, ठीक है। एज वी नो कि लेड जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, खुद को स्टेबल करता है, और ब्रोमीन खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, फाइन। अब लेड दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ब्रोमीन तो एक ही ले सकता है, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे क्या है कि दो ब्रोमीन हमारे पास आएंगे जो कि इससे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और हमारे पास पूरे का पूरा लेड ब्रोमाइड मोल्टन स्टेट में बन जाएगा, जो कि है PbBr2। अब ये लेड ब्रोमाइड में हुआ क्या कि एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं और दूसरे बंदे ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैं बताने वाली हूं कि हमारे पास यहाँ पे हुआ है एक लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कह सकते हो वर्ड लूज की जगह आप लॉस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिडक्शन में आप अक्सर लूज वर्ड भी पढ़ते हो। सो एक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह आ रहा है हमारा, एक जगह आ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कब पढ़ते हो, जब आप बात करते हो यस किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका ऑक्सीडेशन में और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका रिडक्शन में, फाइन। नो डाउट इनकी और भी डेफिनेशन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रिलेटेड, बट अगर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो तुम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि जो मेन टॉपिक है उसमें हाफ रिएक्शंस जो होनी है वो कैसे किस पे हो रही हैं, फाइन। अब दूसरी चीज जो पते की मैं बताने वाली हूं कि आपको ये ओ और इधर से रिडक्शन से अल्फाबेट आर, ये दो अल्फाबेट्स आपने याद रखने हैं। अब जैसे कि हमारे पास होता है एक एनोड वर्ड, एक होता है आपके पास कैथोड, ये बेसिकली दोनों के दोनों क्या है आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स माने कि चार्ज्ड रोड्स आप कह सकते हो, कि जिनके ऊपर चार्ज होता है। एज यूजुअल देखें तो हमारे पास एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं। बट आज के लेक्चर में थोड़ा ये उल्टा होने वाला है, वो भी बताऊंगी क्यों और कैसे। अब आपको यहाँ पे मेन चीज ये याद रखनी है, ये दो वर्ड्स में से ओ एंड आर अल्फाबेट और इन दोनों में से ए और सी, अगर ध्यान से देखो ए और ओ दोनों एक तो वॉल्स हैं, प्लस आप इनको वैसे भी याद रख सकते हो ए और ओ,
अगर आप बोलते हो तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है प्रोड्यूस। तो आपने ये दोनों अल्फाबेट्स याद रखने हैं, ए और ओ, और ये दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, दैट इज सी एंड आर। आपकी क्लास में सी आर होता है ना, तो उससे याद रखना सी आर। तो यहां से आपने जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि ऑक्सीडेशन जो होती है हमेशा और हमेशा किस पे होती है, एनोड पे, और जो रिडक्शन होगी वो हमेशा किस पे होगी, कैथोड पे। अब यही चीज मैं आपको लेड ब्रोमाइड की एग्जांपल में समझाऊंगी, राइट। अब यहां से सबसे पहले तो मैं ये लेड ब्रोमाइड इधर से हटा देती हूँ। अब इधर क्या है आपके पास, लेड ब्रोमाइड की जो एग्जांपल मैंने अभी बताई, एज लेड क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर लेड लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स टू, और वो अगर गेन कर ले वही दो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा, तो वो क्या बन जाएगा, लेड। दूसरी साइड पे देखें कि अगर ब्रोमीन नेगेटिव होता है तो हमारे पास अगर वो अपने में से अब माइनस कर दे वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया था, अभी एक ब्रोमीन की बात कर रहे हैं याद रखना, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये भी सिंपली क्या बन जाएगा, ब्रोमीन। अब ध्यान से देखो तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है इस पे हमारे पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहाँ पे बताया, मतलब कि रिडक्शन के साथ इसको जोड़ा है, तो रिडक्शन कहाँ पे होगी, हमेशा कैथोड पे। तो इसके आगे आप लिख दोगे एट कैथोड कि ये जो रिएक्शन होगी ऊपर वाली ये किस पे होगी, कैथोड पे। क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें होता है, हमारा रिडक्शन पे। सिमिलरली अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन को हमने किसके साथ पेयर बना के लिखा है यहाँ पे, एनोड के साथ। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है आपकी किस पे रहेगी, एनोड पे। क्यों, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, किसमें होते हैं, ऑक्सीडेशन में। तो इसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट में आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिख देना है, और यहाँ पे रिएक्शन के पहले एट कैथोड एट एनोड लिख देना कि ये जो रिएक्शन है कैथोड और एनोड पे ऐसे ऐसे हो रही है, फाइन। अब बात रही कि अगर हमारे पास लेड दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ब्रोमीन एक गेन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे कि दो बी आर लेंगे, ठीक है, और दो बी आर लेके उसको क्या बना देंगे, बी आर टू। दैट मीन्स कि तभी हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगी हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन जो बनेगी फिर वो क्या बनेगी हमारे पास, कि पी पी बी आर टू था, और जब इसको हमने डिसोसिएट किया क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास लेड अलग हो गया और बी आर टू जो था वो अलग हो गया। तो ये आपकी टोटल बन गई ओवरऑल रिएक्शन। तो देखा आपने कितना इजी था ये रिएक्शन को समझना। आपके पास आपकी बुक में इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जिसमें वाटर की NaCl की बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो प्लीज उनको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी रिएक्शन है अगर आपको ये जो पोर्शन है याद रह जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, सो दैट आज का जो मेन टॉपिक है मैं वो स्टार्ट कर सकूं। ओके, आई थिंक सो इनफ टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ इरेज, सो दैट कि हमारा आज का टॉपिक शुरू हो सके। तो हमारे आज के टॉपिक में सबसे पहले मैं नेम तो अभी नहीं बताऊंगी, सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो भी मैंने बताई है, एज यू नो कि अगर वो दोनों की दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑल्सो एंड रिडक्शन ऑल्सो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर हमारे पास रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब ये रेड और ये ऑक्स, इससे क्या याद रखते हो आप, यहां पे रिडक्शन और ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन। तो जब आपकी रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बीकर में, इन वन बीकर, अगर रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बीकर में हो, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट,
सॉल्यूशन, तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन कोई करवा रहे हो और एक ही बीकर में इन द प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रोड और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे जो रिएक्शन है प्रोसीड करता है। फाइन, अब वो रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हम लोग मानते हैं एज केमिकल एनर्जी जो कि हमारी मिल रही है हमें रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब कहते कि अगर इस केमिकल एनर्जी को जो हीट की फॉर्म में हमें मिल रही है इसका यूज लेना हो या फिर को कि इसको अगर कन्वर्ट करना हो इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो हमारे पास इसकी कन्वर्जन में एक डिवाइस यूज होता है। ठीक है, उस डिवाइस से बहुत ही इजीली बाय द हेल्प ऑफ और थ्रू द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वी कैन इजीली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर सिंपली आप इसको केमिकल सेल भी बोल देते हो। सो यही है हमारा आज का टॉपिक भी, जिसमें हम लोग आज एक ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो आपको इजीली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बताएगा और सिखाएगा। फाइन, तो उससे पहले हम लोग फिर से बोर्ड को एकदम से क्लीन कर देते हैं क्योंकि इस टॉपिक को समझाने के लिए मेरे को काफी स्पेस चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो हम नेम लिख लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रो केमिकल, या फिर इसको वोल्टेइक सेल, या फिर इसको डैनियल सेल, या सिंपली केमिकल सेल भी बोल देते हैं। तो ये है हमारे आज के टॉपिक का इतना लंबा जोड़ा नेम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे मैम नेम इतना बड़ा तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी होने वाला है। सो हमारे पास आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको वोल्टिक सेल या डैनियल सेल भी बोल देते हैं या सिंपली केमिकल सेल भी बोल देंगे। इसमें कुछ ही नहीं है, इसमें हमारे पास रिएक्शन लेनी है जिंक की और कॉपर सल्फेट की। अब एज यू नो कि अगर मैं जिंक को रिएक्ट करवाती हूं कॉपर सल्फेट के साथ तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में एज इट इज रह जाएगा। दैट मीन्स कि कॉपर ने यहाँ पे क्या करे हैं, लूज करे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन रिवर्स में चलें तो अगर हमारे पास जिंक ने गेन करे थे तो अब हम क्या करेंगे कि जिंक ने जो गेन करे थे इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देता है तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव होता है तो जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जो उसने गेन करे थे वो अपने में से क्या करा देगा, अभी माइनस करवा देगा। और हमारे पास या सिंपली कह लो कि हमारे पास जिंक टू नेगेटिव अगर हम लोग मान के चले क्योंकि उसने सल्फेट लिया है तो हम लोग सिंपली इसको नेगेटिव चार्ज में ले सकते हैं। और अगर वो नेगेटिव अपना वापिस दे देता है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता है फिर से जो उसने लिए थे तो सिंपली जिंक बन जाएगा। लेकिन अगर वही हम लोग कॉपर की बात करें जो कि लूज करे थे कॉपर ने टू इलेक्ट्रॉन्स और अगर वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हमारे पास वो फिर से कॉपर बन जाएगा। अब सीधी सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं,
ऑक्सीडेशन और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है आपकी रिडक्शन की होती है। तो और से मैंने आपको बोला था याद रखना है एनोड, तो ये जो रिएक्शन है एनोड पे और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी, कैथोड पे। फाइन, अब ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि हमारे पास जिंक वाला केस जो है वो एनोड के अंदर है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर वाला केस है कैथोड के अंदर ड्यू टू रिडक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक ने क्या किया है, जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वो फिर से लूज किए हैं, और कॉपर ने जो लूज किए थे वो गेन करे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये जो थी तुम लोग की रिएक्शन, ये क्लियर हो गई है तुम लोग को। अब मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब कैसे हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहली बात की आपको सबसे पहली और जरूरी बात कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको दो अलग अलग बीकर लेने हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको नीचे ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट कि हमारे पास कोई भी गुंजाइश ना रहे गलती की भाई। तो ये हमारे पास है दो बीकर्स, फाइन। अब दो बीकर्स में हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, एक हमने यहाँ पे लिया है और एक हमने यहाँ पे ली है इलेक्ट्रोड। ओके, अब यहाँ पे हमने ये जो इलेक्ट्रोड लिए ना, मैं बता दूं ये है जिंक की और ये है कॉपर की। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ऑफ कोर्स इधर हमारे पास कौन सा है, जिंक सल्फेट, और इधर कौन सा है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको सही करूं तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे एक वायर, ये मैंने बना दिए वायर, फाइन। और थोड़ा सा हमें ऊपर से रब करना पड़ेगा या फिर इधर से हम लोग कर लेते हैं सेटिंग थोड़ी सी, ठीक है, इधर से ही कर लेते हैं इसको, थोड़ा रोड्स को छोटा कर देते हैं। ये हमारी हो गई वायर एक, और इधर हमारे थे इलेक्ट्रोड्स, ये था हमारा जिंक रोड और ये है हमारी कॉपर रोड, फाइन। और इन दोनों को हमने भी आपस में यहां से जोड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, ऐसा करते हैं इसको उधर ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में हमने ऐसे जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं जगह छोड़ देती हूँ जिसमें हमारा जाना है वोल्टिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक वोल्ट मीटर, ठीक है, ये आपका आ गया वोल्ट मीटर। सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केस है तो हम वोल्ट मीटर यूज करेंगे कि कितना वोल्ट जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले तो सबके नेम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये एक वायर है आपकी, ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, ठीक है जी। ये कॉपर और जिंक सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ये हमारे पास जो हो रही है रिएक्शन एट एनोड, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रही है रिएक्शन एट कैथोड, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस करी है, फाइन। और अब होगा क्या
कि इसमें जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो इसमें सबसे पहले एक इनर इलेक्ट्रोलाइट्स नाम की चीज होती है, इनर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनर इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl हो गया, KSO4 हो गया, ऐसे मतलब होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अब होगा क्या कि जब ये रिएक्शन शुरू होगी तो यहां से जिंक का काम क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन्स वापस करने हैं, मतलब लूज करने हैं। अब अगर जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो इधर इधर साइड पे जाएंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट वाली साइड से क्या होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, बट सल्फेट जो है इसका सल्फेट आयंस जो है वो लूज करेगा एड्रेस से, मतलब सल्फेट आयंस जो है इधर जाएंगे हमारे पास, डार्क पेन से लिख देते हैं, इधर से जिंक पॉजिटिव आयंस जो है वो इधर इधर जाना शुरू करेंगे और इधर से सल्फेट आयंस जो है वो इधर इधर जाना शुरू कर देंगे। इनकी मूवमेंट मैंने इधर शो कर दी, इनकी मूवमेंट मैंने इधर शो कर दी, फाइन। अब यहां पे क्या होगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर को किधर जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इधर वाली साइड पे मूव करेंगे, मतलब कि टुवर्ड्स दी कॉपर, क्योंकि कॉपर ने अब सल्फेट लूज करा है तो वहां से जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉपर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, फाइन। और हमें पता है कि जब कोई भी चार्ज मूव करता है तो क्या आता है, करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, लेकिन हमेशा उसकी डायरेक्शन जो होती है वो किधर होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ, या फिर कह लो कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट साइड पे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑफकोर्स इधर ये आ गया हमारा करंट राइट से लेफ्ट की तरफ। यहां पे हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, लिख देते हैं एनर्जी, लिख देते हैं ये हमारी जा रही है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जिंक, यहाँ पे जिंक टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कॉपर की तरफ क्योंकि कॉपर ने सल्फेट इधर भेज दिया, जिसकी वजह से जिंक में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉपर की तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं तो करंट जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएगा, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, फाइन। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं तो मतलब सेल जो है वर्क करना शुरू कर गया, फंक्शनिंग होनी शुरू हो गई है सेल की, जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है यहाँ पे क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है दो चीजें, कि हमारे पास ये जो हमने एक वायर लगाई है ये क्यों लगानी जरूरी है, अगर हमने इसको कनेक्ट कर ही दिया तो ये वायर क्यों जरूरी थी। तो सबसे पहले इसको ही पढ़ लेते हैं कि वायर हमारे पास, या कह लो ये जो सॉल्ट, इसको वायर या ये ब्रिज कहने की वजह से ना इसको सॉल्ट ब्रिज सेल भी कहा जाता है। सॉल्ट ब्रिज सेल इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ब्रिज बनता है यहाँ पे, जिसके थ्रू हमारे पास आयंस जो है मूव करते हैं। आयंस कैसे मूव करते हैं, हमारे पास जो एनायंस हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, और जो केटायंस हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड। अब ये मूवमेंट जब होती है तो आपस में इनकी रिकॉम्बिनेशन ना हो जाए, उसके लिए हम लोग ये वायर यूज करते हैं, सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग से वायर के अंदर से इधर आ जाए और जो करंट है या और सल्फेट आयंस है वो वायर के इधर बाहर से, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ जाए वायर से सल्फेट आयंस इधर शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो आयंस है आपस में रिकम्बाइन नहीं हो रहे,
ठीक है, रिकम्बाइन नहीं हो रही, इसका मतलब कि हमारे पास सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यहाँ पे, कुछ भी हमारे पास जो मेन रिकम्बिनेशन होने का डर था वो नहीं हो रही। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कॉपर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जिंक का जो मास है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बट अगर कॉपर की तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपर का मास जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे पास जिंक का मास डिक्रीज की तरफ जाता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो मूवमेंट जो है वो कम हो रही है। अब वो जब कम होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके साथ ही करंट जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है। मतलब एक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है करंट की, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाती है, तो करंट जो है इंक्रीज होने के बदले बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनिंग थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसमें बहुत ही इजिली विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इसलिए क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन साइड बाय साइड हो रहा है, बट दोनों अलग अलग बीकर में, ये ध्यान रखना आपने, थ्रू दिस वायर और सॉल्ट ब्रिज, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास हमें मिल रही है बाय द केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको आप अच्छे से थ्योरी पार्ट को जब पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया वही सेम मिलेंगे। अगर फिर भी इन केस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर, दिट इज 9023241122। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ईजी कॉन्सेप्ट था, तो अब मैं इसको करने जा रही हूँ बिल्कुल साफ। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। और इसके बाद अभी हम लोग करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ लिया है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दोनों में क्या फर्क है, ये डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, हाँ जाता है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रो केमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर ले इनमें, और इनमें फर्स्ट पॉइंट जो है दोनों का सबसे ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, मार्कर दूसरा ले लेते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि यहां पे क्या होता है उल्टा प्रोसेस कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी में। इसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कंपलसरी है, बट इन दिस केस रिडॉक्स रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हर बार हो, दैट मीन्स कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो यहाँ पे टू डिफरेंट बीकर्स यूज्ड, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस इन वन बीकर ओनली। यहाँ पे अगर दो बीकर लिए तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पास दो अलग अलग ही यूज करते हैं, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज, बट यहाँ पे ओनली
वन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सोल्यूशन यूज कर रहे हो, वन इलेक्ट्रोलाइट यूज। यहां पे जो दो इलेक्ट्रोड लेते हो, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर टेकन विद डिफरेंट, कि दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो डिफरेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल में ली थी, कॉपर की एक जगह ली थी और एक जगह जिंक की ली थी, ठीक है, आर टेकन विद डिफरेंट। बट यहां पे क्या है हमारे पास, सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, फाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास डिफरेंस के पॉइंट्स कुछ बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बिल्कुल अलग है, फाइन। ये था हमारा डिफरेंस दोनों के बीच में। तो अभी आज मैं लास्ट टॉपिक जो आपको बताने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर ली है और उसकी रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अभी हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इजी होती है, जो कि हमने स्टार्ट करनी होती है मेटल से और खत्म भी करनी होती है मेटल से, जबकि इन दोनों के बीच में हमारे पास आता है मेटल आयन और इधर भी होते हैं हमारा मेटल आयन, और इन दोनों के बीच में हमारे टू सिंगल लाइंस ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये जो दो सिंगल लाइन है ये आपकी होती है सॉल्ट ब्रिज की, कि हमारे पास ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पे, और जिसकी लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, मतलब कि ये हमेशा होती है एट एनोड और ये हमेशा रहेगी एट कैथोड। इधर हमेशा क्या होती है, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होती है हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। और हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन थी कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी हमने जिंक कॉपर सल्फेट की करी है, तो यहां पे जिंक, फिर ये पार्टीशन देते हैं इसमें ऐसे, और फिर हम लोग लिखते हैं इस साइड पे जिंक आयन, और फिर यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे सॉल्ट ब्रिज लिखा मैंने, तो यहां पे मैं बता रही हूं कि ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज का साइन। मैं यहां पे अलग पेन से, ग्रीन पेन से ही आपको शो कर देती हूँ कि ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। जिसके बाद आपको क्या लिखना है, कॉपर का मेटल आयन, और उसके बाद क्या बन गया था आपका, ऑन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स कॉपर कंप्लीट हो गया था, फाइन। तो ये मैं बता देती हूँ कि ये क्या है सॉल्ट ब्रिज का साइन, ये दोनों साइड पे हमने शो करा हुआ, फाइन। तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि हमने मेटल से शुरू होकर मेटल तक ही पहुंचना होता है, बीच में हमारे मेटल लाइन, और ये जो दो आपकी सिंगल लाइन पैरेलल शो हो रही है ये होती है, इनको आप कहते हो सॉल्ट ब्रिज, फाइन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी था, जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे को नहीं लगता अब आपके लिए डिफिकल्ट रह गया होगा। तो प्लीज इसको ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़ लेना, इसकी लेंथ देख के आप घबराना नहीं, एक बार मेरे कहने पे गो थ्रू इट, ठीक है, थोरोली डीपली रीड इट, अंडरस्टैंड इट। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम मैसेज मी और कॉल मी एट दिस नंबर, एंड टिल देन बी सेफ, बी एट होम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज 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 शेयर इट मोर एंड गिव मी लाइक्स, थैंक यू।